प्यारे बच्चों, आज मैं आपको यह बताऊंगा कि भोजन को चबाने के क्या लाभ हैं। बहुत सारे जो हेल्थ के एक्सपर्ट्स हैं तथा उनका यही मानना है कि आंतों के दांत नहीं होते, जो आंतें होती हैं उसके दांत नहीं होते, ठीक है जी। जो आंतें उसके दांत नहीं होते, दांत हमारे बीच में है, मुंह में है, ये गत्ती दांत है। तो जब हम इसको चबाएंगे, भोजन को बार बार चबाएंगे तो भोजन पच जाएगा। जब हम इसे चबाएंगे बार बार चबाएंगे तो भोजन पच जाएगा। जब हमारा भोजन पच जाएगा तो हमारी सेहत अच्छी रहेगी, क्योंकि अंदर दांत नहीं है। अगर आप दांतों से नहीं चबाते, आपने देखो, मैं लोगों के घरों में जाता हूं, वहां एक ही बात होती है। क्या बात होती है? रोटी उन्होंने खाई, एक दो तीन, यहां कोई रेस तो नहीं चल रही कि आपने रोटी ऐसे खानी है, एक दो तीन अंदर भेज दिया। अरे विचारिए कि आंतों के जो पेट है ना, पेट की चक्की के दांत नहीं है। आपने अपने साथ बहुत बड़ा विश्वासघात कर रहे हो, जो भोजन बिना चबाए पेट में भेज रहे हो। इससे आपको सिर्फ मोटापा, पेट की समस्या, कब्ज होना, ऐसी बीमारियां पैदा होंगी। तो जिंदगी में याद रखिए कि जब भी मैं भोजन खाता हूं, यह एक पीस है भोजन का, इसको मुंह में डाला तो 20 टाइम्स इसकी गिनती स्टार्ट की हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। इससे क्या होगा कि ना, हर भोजन का एक पीस आपके मुंह में 20 टाइम्स ग्राइंड होगा, उसका हाजमा, उसको डाइजेस्ट करने के लिए वो पीसेगा। चक्की होती है, चक्की को चलाया जाता है, एक बार चलाए तो आटा नहीं निकलता, एक बार चबाए तो आटा नहीं निकलता। उसके लिए हमें उसको बार बार घुमाना पड़ता है, ऐसे दांतों को बार बार चबाना पड़ता है। चाहे आप सेब खाते हो, चाहे आप छोले खाते हो, हर चीज को चबा चबा के खाइए। उसके लिए एक ही सिद्धांत रखिए, 20 टाइम्स आपने कोई चीज खाई उसको 20 टाइम्स उसको चबाइए। इससे क्या है, बहुत सारी बीमारियां आपके ठीक होंगी। जिसके खून में खराबी है, जिसका पेट ठीक नहीं रहता, उसके लिए ये वरदान है। आपने सिर्फ एक छोटा सा काम अपने साथ एक प्रॉमिस किया कि मैं जब भी भोजन खाऊंगी या खाऊंगा उसको मैं चबाऊंगा। देखो, मैंने चार रोटियां खाता हूं तो वो उस टाइम, अगर जब आप तीन की गिनती करते हो, एक दो तीन में चबाते जाते हो, 5 मिनट लगते हैं। अब क्या है, आपके आधा घंटा लगेगा, 20 मिनट लगेगा। अरे 24 घंटे में से अपने भोजन के लिए जिससे सेहत बननी है, आधा घंटा नहीं लगा सकते? उसको मुंह में डालिए, 20 टाइम्स गिनती कीजिए, चबेगा वो, हजम होगा बार बार। उसमें रस है, जो हमारी जबान में सैलिवा है, क्या है जबान में, सैलिवा, उसके साथ वो हजम होगा। जब आपका भोजन हजम होगा ना तो उसमें वेस्ट कम निकलेगी, जो चीज पच जाती है ना उसमें वेस्ट कम निकलती है, यानी आपने अपने भोजन का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया है। देखो, आपके पास धन हो, 10,000 हो, उसने आपसे उसने उससे आपने बिजनेस स्टार्ट करना हो तो आप सोचोगे यार पैसा बहुत कम है, इसको संभाल के इस्तेमाल करूं। ऐसी आप अगर आपके पास अगर भोजन है, कम खाते हो, उसको अच्छी तरह से चबाते हो तो उससे बहुत ज्यादा रस बनेगा, रस से खून बनेगा, वेस्टेज कम होगी। आपका शरीर ना, मान लो आपने चबाते नहीं तो आपके जो आते हैं ना, इसको दम लगाना पड़ता है, दम लगाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। दांत तो है नहीं उसके, वो पचता नहीं है, वैसे वैसे ही, ठीक है, वैसे वैसे पेट में पड़ा रहता है। तो क्या होता है, जब पेट में बिना चबाए रह जाता है तो उसमें से गैसें निकलती है, मीथेन गैस, दूसरी गैस, वो दिमाग के ऊपर चलती है तो दिमाग में सिर दर्द हो जाता है, आंखों में चलेंगी आपको ऐनक लग जाएगी, जो मनुष्य चबाते नहीं है उनको ऐनक लग जाती है, सिर में बाल झड़ जाते हैं, बाल सफेद हो जाते हैं, पेट के अंदर पेन स्टार्ट हो जाता है, खून खराब हो जाएगा, स्किन की सभी बीमारियां पैदा होती हैं। सिर्फ हमने क्या असूल बनाना है, अपने भोजन को चबाना है। चबाना इसलिए है कि हमारे यहां दांत हैं, दांतों का काम क्या है, चबाना, दांतों का काम क्या है, चबाना। तो भगवान ने हमारे एक ऑर्गन्स का ड्यूटी फिक्स किया हुआ है, हमने उसको पूरा यूज करना है। हम क्या कहते हैं, नहीं जी मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने ड्यूटी पे जाना है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने टीवी देखना है, उनके लिए टाइम है। जब वो भोजन बिना चबाए पेट के अंदर चला जाएगा तो वो आपको नुकसान देगा।
तो उसके लिए आप बड़े से बड़े हॉस्पिटल जाओगे, डेंटल के पास जाओगे, वो पैसे लूटेंगे। इससे अच्छा है जो दांत का, अच्छा जब आप चबाओगे ना, इसकी सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, हम चबाते हैं ना दांतों की एक्सरसाइज होती है, उसमें ताकत बढ़ जाती है, कितनी अच्छी बात है। कोई व्यक्ति अगर 20 टाइम एक भोजन एक एक पीस को चबाता है ना, उसको दंत मंजन करने की आवश्यकता नहीं है। सुबह दांतों लो, उसको चबाते हो, वो भोजन किया उसको चबाते हो, जितनी भी औषधि है अगर उसमें घी नहीं है तो अपने आप में वो दंत मंजन है। तो क्या करना है, आपने सिर्फ चबाना है, साथ इतने मजबूत हो जाएंगे दांत, इतने मजबूत हो जाएंगे आपके मरने वाले दिन तक आपके दांत टूटेंगे नहीं। सिर्फ हमने एक फिक्स नियम बना दिया, मैंने आज से भोजन को पचाना है, उसको चबाना है, चबाता जाऊंगा चबाता, जब तक उसका पानी नहीं बनता। बहुत ऋषि मुनियों ने यह बात कही है कि भोजन को पीना चाहिए, क्या चाहिए, पीना चाहिए। इसका मतलब है भोजन इतना डाइजेस्ट करो, इतना उसको चबाओ कि वो पानी बन जाए, लिक्विड बन जाए, और पानी को खाना चाहिए। पानी जो है पहले लिक्विड है, उसको आराम से पीना चाहिए, आराम से पियो उसके, वो हल्का हल्का उसमें सलीवा मिक्स हो। तो ये कंडीशंस आपने याद रखनी है। कहते हैं कि दांत गए तो स्वाद गया। देखो अगर आप चबाओगे, यानी कोई कहते हैं मेरे को इसमें स्वाद नहीं आता, अब चबाते तो हो नहीं, दांत गए तो स्वाद गया, आंख गई तो जहान गया। तो दांतों का काम है स्वाद को बढ़ाना, चबाते हो ना तो सलीवा मिक्स होगा, आपको उसका पूरा टेस्ट आएगा। कोई बच्चे होते हैं ना, गोली को चक लगाते हैं, खा जाते हैं, ठीक है, उसको चूसते हैं अच्छी तरह से, टाइम लगता है उसमें, तो उसका टेस्ट ज्यादा है। ऐसे भोजन है, उसको चबाओगे तो उसका टेस्ट आएगा। तो आज हमने क्या सीखा प्यारे बच्चों, बताइए, भोजन चबा चबा के खाना चाहिए। एक पीस है जो भोजन का हम लेते हैं, जिसमें सब्जी है और रोटी है, वो कितने टाइम्स चबाना चाहिए, 20 टाइम्स। और इसमें अगर टाइम आपके पास कम हो तो क्या करोगे, टाइम कम है तो अपने टाइम को बढ़ाओ। क्यों बढ़ाओ, क्योंकि इससे सेहत आपकी जुड़ी हुई है, उस मनुष्य की सेहत उतनी अच्छी है जो जितना ज्यादा चबाता है, जो जितना ज्यादा चबाता है। देखो आपकी अपनी सेहत है, उसका आपने ही जिम्मेवारी लेना है, आपकी माँ ने आपके पिताजी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। वो कहते हैं हम हेल्थ के लिए खर्चा करेंगे, आप उस समय अगर अंग्रेजी दवाइयां भी खाते हो, पेन किलर गोलियां भी खाते हो, इंजेक्शन में लगाते हो, तो उस टाइम का जितना भी दुख है वो आपने सहना है। तो पहली बात, आप बीमार नहीं हो सकते अगर इन नियमों को लागू करो। कल भी बताए थे नियम, आज भी एक नया नियम बताया, ऐसे हम रोज एक नया नियम बताएंगे। अब ओम शांति।